Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our next topic, that is sp2 hybridization. Abhi tak maine aapko hybridization sp3 hybridization kara di hai. Aaj ka topic jo hai, that is to explain the bonding in unsaturated compounds. As you all know, hydrocarbons, they are alkanes, alkenes and alkynes. So to explain the bonding in unsaturated compound, but unsaturated compound means those which have double or triple bond. To explain bonding in those unsaturated compounds, the mode of hybridization that have been developed is sp2 and sp hybridization. Okay, let me explain you. Like aapke paas ethene hai, ethene ka formula you all know. Okay, it has a double bond. Okay, between carbon and carbon. The sp mode of hybridization, in this type of hybridization, like we take only one carbon. आप इस तरह से बेटा इसको ले ले. As in ethene, you have two carbons. आप एक को carbon A का नाम दे दे, एक को carbon B का. Suppose like in carbon A, we have 1s, 1 2s, and 2 2p orbitals of carbon atoms. Although we have 1 2s and 3 2p orbitals. लेकिन इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2s एंड 2 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम विल मिक्स अप टुगेदर टू गिव राइज 3 इक्विवेलेंट एंड कोप्लेनर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द सर्कल इज शोइंग द 2s ऑर्बिटल एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज शोइंग द sp px एंड द py. ठीक है, दीज 3 विल मिक्स अप टुगेदर एंड दे विल गिव राइज टू द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. As I told you, कि जितने भी ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. ठीक है, 3 मिक्सअप हो रहे, 1 2s एंड px एंड py, तो 3 ही नए बनेंगे. ईच ऑर्बिटल विल बी नेम्ड एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. हर एक का नाम बेटा sp2 होगा, क्योंकि हर एक की फॉर्मेशन में 2p और 1s की पार्टिसिपेशन है. सो यू विल गेट 3 sp2 hybrid orbitals. ठीक है, एंड दे द 3 विल बी कोप्लेनर. अब आपको लास्ट फिगर में डायग्राम के अंदर आप देखिए, डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि 3 sp2 hybrid orbitals जो है दे आर मेकिंग विद ईच अदर एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. ठीक है, ये इस तरह से अरेन्ज होते हैं, लाइक दे आर एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी 3 साइड जो होती है वो इक्वल होती है. That is called as equilateral triangle. So these 3 hybrid orbital, they will be directed from the center of an equilateral triangle to its 3 corners. उसके center से उसके 3 corners की तरफ होंगे, और इनके बीच में जो bond angle होगा between any 2, आप कोई से भी 2 sp2 sp2 के बीच में अगर bond angle देखें, that is equal to 120 degree. अब आपने देखा है कि each carbon has 1 2s and 3 2p orbitals. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे hybridization हुई है between 1 2s and 2 2p orbitals. The one unhybridized orbital, that is pz, 2pz, that will remain perpendicular to the triangle thus formed. इस तरह से ये जो triangle बनती है हर एक carbon के ऊपर, इस पे अगर आप देखें तो z axis जो है blue line में दिखाया गया है, इसके ऊपर जो unhybridized orbital होगा, यानी we did not take part in hybridization, वो इसके ऊपर इसी तरह से रहेगा. ठीक है, अब एक इथीन का मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? अब कार्बन ए में इसी तरह से कार्बन ए हैज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच नेम्ड एज sp2. सिमिलरली कार्बन बी हैज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब आप देखिए इस डायग्राम में कार्बन, ये जो ब्लैक डॉट है इट्स शोइंग कार्बन. ठीक है, सेंटर में हर एक कार्बन का एक sp2 ओवरलैप कर रहा है विद द sp2 ऑफ द कार्बन बी. और आपको पता है कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं, दे फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. सो 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड बाय sp2 sp2 ओवरलैप. अब हर कार्बन के पास बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे टोटल? 3. 1 इट हैज यूज्ड, 2 आर रिमेनिंग. ठीक है, अब वो दोनों 2 जो है दे विल ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, दोनों कार्बन पे, यानी कार्बन ए सपोज, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा, उसका sp2 एक sp2 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, दूसरा sp2 1s एंड फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. इसी तरह कार्बन बी का भी, और दोनों कार्बन के ऊपर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड पीजी ऑर्बिटल जो है वो उसी तरह लाइक कर रहा है. ये दोनों पीजी ऑर्बिटल दे विल ओवरलैप विद ईच अदर, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे. दिस गिव राइज टू व्हाट इज कॉल्ड, ये जब इससे पहले
पीजी की हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये जो sp2 ओवरलैपिंग और sp2 और 1s ओवरलैपिंग हुई है, इनके रिजल्ट में जितने भी बॉन्ड बने हैं दे ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। और इस अभी तक अगर हम पीजी को जो है वो कंसिडर ना करें तो इस रिजल्ट में अभी सिर्फ जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेंगे तो जो एक टोटल फ्रेमवर्क डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा ईच कार्बन एटम का दैट विल देन ओवरलैप इन अ पैरेलल फैशन टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। पैरेलल आप समझ रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल साइडवाइज दोनों पीजी पीजी ऊपर जो लाइन एक उनका उनका बॉन्ड बने sp2 की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाए। ठीक है, ये जो इनके दरमियान एक आपको दिखाया गया सिग्मा बॉन्ड एक सिंगुलर लाइन से, उसके ऊपर आप देखें क्लाउडिक फॉर्म में और नीचे दिस इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ पीजी एंड पीजी ऑर्बिटल, पीजेड एंड पीजेड, टू पीजेड एंड टू पीजेड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच एटम। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड एंड इट्स अ डबल बॉन्ड। ठीक है, इससे आपको ये भी आइडिया हुआ कि सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड हमेशा जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है। ठीक है, और ये जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली और जो आपका पी जी या पाई ऑर्बिटल है दैट इज फॉर्म बाय द साइडवाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द पी जेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अनसेचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक अल्कीन्स। ठीक है, बाय द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, द लास्ट वन इज आपने देखा हमने अल्केन में हाइब्रिडाइजेशन देखी, अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन देखी, अब जो है वो हम अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। बेटा द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अनदर सेट ऑफ मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिस इज कॉल्ड एसपी। अब आपको पता है बेटा अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आई हैव रिटन यू कैन नोट इट, आपको पूछा जा सकता है टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन या डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द इथाइन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कैसे आप इथाइन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, यू विल सिंपली स्टार्ट फ्रॉम दिस कि ईच कार्बन हैज 2s and 3 2p orbitals। ठीक है, in case of ethyne the 1 2s orbital and 1 2p orbital of each carbon atom mix together to give rise to 2 degenerate sp hybridized atomic orbital। beta maine aapko last time bataya degenerate mean having same shape, theek hai, and energy, they are called as degenerate orbitals, hybrid atomic orbital having same shape and energy are called degenerate atomic orbitals। theek hai, अब इसमें क्या होगा लाइक एक s 1 2s और 1 2px, ये आपने याद रखना है हर कार्बन का। इथाइन में भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और हर कार्बन ने एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ बनाया। और इथाइन का फॉर्मूला क्या हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक हो गया बेटा, अब 1s एंड 1 2px ये ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे। अब दो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो नए बनने वाले भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड एंड ईच विल बी नेम्ड एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं 1s एंड 1 2px विल मिक्स अप टुगेदर एंड फॉर्म 2 न्यू ऑर्बिटल्स sp एंड sp। और sp और sp जो है बेटा दे आर लीनियरली अरेंज्ड और इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट विल बी ऑफ, आपको पता है जब भी लीनियर ज्योमेट्री होती है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड का इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा। इथाइन मॉलिक्यूल, अब कैसे इथाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी, आप इसमें ये डायग्राम में देखें, ये इथाइन मॉलिक्यूल्स में क्या, इथाइन मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा, एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ पहले sp ओवरलैपिंग से बनाएगी सिग्मा बॉन्ड। अब हर कार्बन के ऊपर बेटा 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़े हुए, 1 इज py एंड द अदर इज pz। अब py से पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा और pz से साइड पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, जिसके रिजल्ट में 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जो यहाँ आपको क्लाउडिक फॉर्म में दिखाई गई है पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सो और हर कार्बन एटम के पास चूंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे sp, एक sp तो उसने दूसरी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगी और दूसरा sp वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी सपोज आप एक कार्बन को ले लें कि एक कार्बन के पास 2 है लीनियर बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर, एक साइड पे sp दूसरी साइड पे sp, इधर वाला sp वो दूसरी वाली कार्बन के साथ sp के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की, और जो लेफ्ट साइड वाला सपोज sp है वो 1s हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगी। और इसके ऊपर 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पड़े हुए थे py और pz, दे बोथ विल ओवरलैप विद द
PY and PZ of the adjacent carbon. अब बिल्कुल साथ वाली जिसके साथ उसने sigma bond बनाया है उसके उनके दोनों PY और PZ के साथ overlapping करके double bond बना लेगी. तो इस तरह से दोनों के बीच में one sigma bond और two pi bond will be formed. ठीक है, this is how we can explain the structure of the ethyne molecule or unsaturated hydrocarbons on the basis of the which mode of hybridization? sp hybridization. ठीक हो गया, ये हमारा टॉपिक बेटा आज का जो है हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट हो गया है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज आइसोमेरिज्म. बेटा आपने हाइब्रिडाइजेशन में जैसे मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि आपने इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है. दे कैन आस्क यू what is hybridization or you can explain the structure of the ethyne on the basis of the hybridization, structure of ethene on the basis of the hybridization. So aapko wo puri diagram bhi draw karni hai ki ps pehle alag se px py pz separately phir mix up hone ke baad jo hybrid orbitals banenge wo separately aur phir unki geometry jo hai jis bhi jaise sp3 mein aapne dekha 109.5 degree ke angle pe wo arrange hote hain. sp2 में आपने देखा कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी एक ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे वो रेंज होते हैं और कोई से दो sp2 के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में 180 डिग्री यानी दे रेंज देमसेल्फ लीनियरली. ठीक है, तो वो सारा एक्सप्लेन करना है. फिर आपने उस मॉलिक्यूल को भी ड्रॉ करना है कि किस तरह से जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गई है तो फाइनल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा. ठीक है, इसके बाद है आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म बेटा आइसो मीन सेम, यू ऑल नो दैट. आइसोमेरिज्म जो है दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. आइसोमेरिज्म है क्या? व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज दे आर सेड टू बी आइसोमर्स. यानी आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता क्या है आपके जहन में ये आ सकते हैं इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप ये बताएंगे कि इसमें ये वाले एलिमेंट्स है और इतने इतने हैं. लाइक सिंपल आपसे मैं ब्यूटेन का पूछूं तो यू विल से मिस इट हैज फोर कार्बन. ठीक है, एंड इट हैज 10 हाइड्रोजन, तो आप उसको कहोगे मैं C4H10 है. ठीक है, लेकिन अगर ब्यूटेन का फॉर्मूला आपसे पूछ लू तो अगर आप मैं आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएं तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको अरेंजमेंट दिखानी पड़ेगी कि एटम्स और बॉन्ड्स की क्या अरेंजमेंट है इसके अंदर. यहाँ पे ये अरेंज है, इतने एंगल पे ये है, यहाँ पर है ये, यहाँ पर है, इस तरह से. ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होती है ना एटम्स की और बॉन्ड्स की दैट इज कॉल्ड एज इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है, अब सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है जिसका सबसे पहली हाइड्रोकार्बन जो आप स्टडी करेंगे विच शोज द फिनोमेनन ऑफ द आइसोमेरिज्म इट्स ब्यूटेन जो मैंने अभी आपको कहा C4H10. ठीक है, अल्केन में जो स्टार्ट की तीनों अल्केन है ना बेटा मिथेन इथेन प्रोपेन वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन शो नहीं करती बिकॉज दे एग्जिस्ट इन ओनली वन स्ट्रक्चर फॉर्म. ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला या आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन ब्यूटेन से स्टार्ट होता है और ब्यूटेन और अदर हाइड्रोकार्बन ऑफ द अल्केन फैमिली they will show this phenomenon and we will observe it. This means that it basically na beta ye possible arrangement of atoms jo hai na kisi bhi molecule mein for this is the one way to satisfy all its valencies ki kis tarah se wo kitni kis tarah se iski valency satisfied hoti hai. This means it is possible to have two or more than two different arrangement for the same molecular formula. theek hai, like aapko ek samne screen pe nazar aa raha hai n butane ye they can be arranged in a linear form or they are arranged in a branch form like isobutane. ठीक है, ये fact जो है ये जो एक scientist ने एक theory के form में है बताया कि भाई arrangement इस तरह से भी हो सकती है इस तरह से भी. This fact has also been supported by experimental evidence कि वाकई में actually ये exist करते हैं in different structural form में. ठीक है, और with two that there are two compounds with different physical properties but with the same molecular formula. ये बात prove की गई है butane के case में भी और बाकी भी isomerism proved experimentally हुआ है. Isomerism जो है this is not only possible but it's common if the compounds contain more than three carbon atoms. ठीक है, more than three जहाँ से start हो जाएंगे वहाँ ये नहीं कि possible है कि इसके isomers हों, ये बड़ी common सी बात है. और जैसे जैसे number of carbon as the number of carbon in hydrocarbon increases the number of possible isomers increases very rapidly. जो five carbon compound है आपको पता है उसका नाम pentane है, it has three isomers. ठीक है, when the number of carbon atom increases to 30 the number of isomers amount to over 4 billions. ठीक है, इतनी जैसे जैसे बेटा number of carbon atom increase होता जाएगा number of isomers भी increase होते जाएंगे. ठीक है,
अभी आइसोमर्स आपने देखा कि क्या है कि एक कंपाउंड है दो उसकी उसका दो द कंपाउंड्स टू और मोर कंपाउंड्स व्हिच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दे आर सेड टू बी आइसोमर्स. ठीक है, अब यानी एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दो डिफरेंट जो एग्जिस्ट करते हैं दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, और ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं. अब है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. आइसोमरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है इज नॉट कंफाइंड टू हाइड्रोकार्बन ओनली. इनफैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स शो द फिनोमेना ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो आप अभी स्टडी करने जा रहे हैं ये सिर्फ ये नहीं कि हाइड्रोकार्बन में ये शो करते हैं आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बल्कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलमोस्ट पाया जाता है. और जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है बेटा ये है क्या बेसिस है कि ये आइसोमर ये जो इस फॉर्म में पाए जाते हैं दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल. कि मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम्स कभी इस तरह से अरेंज हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है, दूसरी तरह से अरेंज हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा शो हो जाता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, फाइव डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. बट लेट मी टेल यू फर्स्ट कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है मैंने लिख दिया है ताकि आपके पास सेफ भी रहे. ये इट कुड बी लाइक डिफाइन आइसोमरिज्म राइट फोर स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. ठीक है, या इसकी एक टाइप भी आपसे सिर्फ एक टाइप भी पूछ सकते हैं. जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो नेक्स्ट टाइप मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइप दैट इज अ चेन आइसोमरिज्म वो डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ द जो आपने अभी पढ़नी है सारी की सारी फाइव टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमरिज्म. बट आप इसमें एक फॉर्मूला सामने लिखा हुआ देख सकते हैं एन पेंटेन और फिर वही पेंटेन बन जाती है आइसोपिट पेंटेन अगर हम सी एच थ्री ग्रुप जो है इसको कार्बन नंबर टू पे अटैच करते हैं और अगर सारी ब्रांच फॉर्म में हो तो इट विल बिकम नियो पेंटेन. दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन. ठीक है, आप देखो ना चेन कभी स्ट्रेट है कभी एक जगह से ब्रांच है कभी ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई है तो वही मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला सेम है सी फाइव एच ट्वेल्व उसके थ्री डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं. तो दीज डिफरेंट अरेंजमेंट्स विल बी कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज पोजीशन आइसोमरिज्म. बट दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन. कल मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था आपने उसको बताया है मैंने आपको कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ठीक है जिसकी प्रेजेंस दैट इंपार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एनी मॉलिक्यूल इट्स फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, जिसकी मौजूदगी से उसकी खास उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हों जो उसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती हैं कि ये क्लास है भाई ये प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स में ही पाई जाती हैं ये प्रॉपर्टीज जो है वो एमीन्स में ही पाई जाती हैं ये प्रॉपर्टीज एल्कीन्स की हैं तो वो उनके अंदर एक खास ग्रुप की मौजूदगी की वजह से और उस ग्रुप को उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. ठीक है, तो अगर वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन के ऊपर डिफरेंट जगह पर रेंज हो लाइक क्लोरो प्रोपेन आप देखें इसमें कार्बन नंबर वन पे क्लोरीन अटैच है लेकिन यही क्लोरीन अगर कार्बन नंबर वन के बजाय कार्बन नंबर टू पे अटैच हो जाए तो इट विल बिकम टू क्लोरोप्रोपेन. अब बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ठीक है लेकिन क्या हुआ है पोजीशन चेंज हो गई है जो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप था हैलोजन कभी वो कार्बन नंबर वन पे अटैच है कभी वो कार्बन नंबर टू पे अटैच है तो क्या डिफरेंट हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सो दिस इज कॉल्ड एज अ पोजीशन आइसोमरिज्म. सेकेंड एग्जाम्पल इसमें ब्यूटीन की है एल्कीन की कि अगर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर वन और टू है जैसे ये देखें वन ब्यूटीन तो आपको पता है हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं वन लिखेंगे और यही अगर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर टू पे चला जाए दैट विल बिटवीन. ठीक है तो कार्बन नंबर टू पे जब डबल बॉन्ड चला जाएगा तो इट विल बी नेम्ड एज टू ब्यूटीन. सिर्फ क्या हुआ है डबल बॉन्ड की पोजिशन जो है वो चेंज हुई है. इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है डबल बॉन्ड है उसकी पोजिशन चेंज होने से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. दिस इज कॉल्ड एज पोजिशन आइसोमरिज्म. सो टुडे यू हैव स्टडी टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म चेन आइसोमरिज्म एंड पोजिशन आइसोमरिज्म. होप सो इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है और इंशाल्लाह कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह. बेस्ट ऑफ लक बेटा. अल्लाह हाफिज़.